शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, ये हमने बहुत बार सुना है। बच्चों में भी कैल्शियम की कमी होती है, बूढ़े लोगों में भी कैल्शियम की कमी होती है, और बहुत बार डॉक्टर आपको कैल्शियम की कमी के लिए कैल्शियम की दवाइयाँ देते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन से फल है, वो क्या सब्जियाँ हैं, आपके खान पान में आपने क्या बदल करने चाहिए, जिससे अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो ये 100% कैल्शियम की कमी पूरी होगी और कभी भी आपको बाहर से कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी, ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी नाम से अकोला में मेरे दो क्लिनिक्स है, उसी तरह से नासिक में भी हमने एक ब्रांच शुरू की है। आज हम समझेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनके खाने से आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। सबसे पहले तो दोस्तों, कैल्शियम की कमी अगर आपके शरीर में है तो आपको क्या लक्षण दिखते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, हड्डियों में दर्द होता है या और बहुत सारे लक्षण्स है जिनके बारे में बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो लिंक दी है, आप देख सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसे अवश्य देखिए। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जिनके खाने से, जिनके रेगुलर इस्तेमाल से आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तिल। जी हाँ, तिल में बहुत ज़्यादा प्रमाण में कैल्शियम होता है जो आपके हड्डियों के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको तिल खाने की आदत नहीं है तो आदत डाल दीजिए। तिल के आप लड्डू बना सकते हैं, तिल की चटनी बना सकते हैं, डेली उसका सेवन कीजिए। कम से कम एक चम्मच तिल की चटनी आपने रोज खाना है, जिससे आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें 70% कैल्शियम होता है वो होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें। सो दूध से क्या क्या बना हुआ है, दही है, पनीर है, छाछ है, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वेजिटेबल्स। बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे हैं जैसे पत्तीदार सब्जियाँ, जो भी मार्केट में मिलती है आपके एरिया में मिलने वाली सारी पत्तीदार सब्जियाँ, फिर वो पालक हो या और कोई भी चीज़ें हो, चुकंदर हो, उन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन आपके खान पान में होना ही चाहिए। भिंडी आपने खाना चाहिए। दोस्तों, दालों में भी बहुत अच्छे प्रमाण में कैल्शियम होता है जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार और एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, वो है मेथी के दाने। जी हाँ, मेथी के दानों को पानी में भिगोइए, रात को सुबह वो पानी आप पी सकते हैं। इसका बीच बीच में आप सेवन कीजिए, इसमें बहुत अच्छे प्रमाण में कैल्शियम होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैल्शियम का सोर्स जो हमको बहुत ज़्यादा प्रमाण में मिलता है और उसका यूज़ हम कर सकते हैं, वो है आंवला। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आदत नहीं है तो आदत डालिए, आंवले का मुरब्बा बनाइए, आंवला सुपारी बनाइए। जब भी आंवला ज़्यादा प्रमाण में आपके पास उपलब्ध हो, उसको स्टोर करके रखिए। अलग अलग फॉर्म्स में आप उसको स्टोर कर सकते हैं और साल भर उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आंवले में बहुत अच्छे प्रमाण में कैल्शियम होता है। अंजीर भी आप खा सकते हैं, अंजीर में भी काफ़ी अच्छे प्रमाण में कैल्शियम होता है। मैं तो सजेस्ट आपको करूँगा कि रात को आप अंजीर भिगो के रखिए, सुबह उठने के बाद में वो पानी भी आप पी सकते हैं और अंजीर भी खा सकते हैं। सीताफल में भी बहुत अच्छे प्रमाण में कैल्शियम होता है, तो आपको अगर सीताफल खाने की हैबिट नहीं है, जब भी सीताफल के फल आए इमिजिएटली बाज़ार से लेके आइए, बच्चों को भी अच्छे से खिलाइए, क्योंकि सीताफल में बहुत अच्छे प्रमाण में कैल्शियम होता है। बीन्स में भी बहुत अच्छे प्रमाण में कैल्शियम होता है, जैसे राजमा है, अलसी के बीज है, ये आप ले सकते हैं। उसी के साथ साथ जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज जैसे एग्स में भी कैल्शियम है, फिश में भी अच्छे प्रमाण में कैल्शियम होता है। और एक चीज़ आप खा सकते हैं, वो है बादाम। बादाम रात को भिगोइए, अंजीर के साथ में भी आप बादाम भिगो सकते हैं, सुबह आप खाइए, उसमें भी बहुत कैल्शियम होता है जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक और फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, वो है गुड़ और चने। जी हाँ, गुड़ और चने को खाने की आदत लगाइए, जब भी आपको मौका मिले, भूख लगे, गुड़ और चने खाइए, इससे भी आपके शरीर में अच्छे प्रमाण में कैल्शियम बढ़ेगा। सो ये कुछ रूटीन चीज़ें थी जो आप अगर रेगुलरली खाएंगे, आपकी आदत में इनको शामिल कीजिए। जी हाँ, बच्चों को भी खिलाइए, ये आदत पड़नी चाहिए। घर में मैं तो बोलता हूँ बरनी रखिए,
सुबह क्या क्या खाना उसकी आदत लगाइए, कुछ ये जो फल मैंने बताए इसकी लिस्ट बनाइए, घर में लगा दीजिए और इन चीज़ों को रेगुलरली डाइट में यूज़ कीजिए, तो आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और एक चीज़ कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि आपके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होने के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है विटामिन डी। सो विटामिन डी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि विटामिन डी होता किस में है, इसका रोल क्या है और ये आपके शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आपके दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाइए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।